नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल राम जी में। और भाई लोग, आवाज़ कैसा आ रहा है बताना, आज अलग लग रहा है कि नहीं, मतलब काफ़ी कैसा लग रहा है? मुझे तो मुझे जहाँ तक पता शायद अच्छा ही लग रहा होगा। और Realme 3 Pro का जो जनवरी महीने का अपडेट है ना भाई, सही में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये जो डार्क मोड का अपडेट था, ये उस अपडेट से भी ज़्यादा बढ़िया अपडेट है सीरियसली, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा अपडेट में छुपा हुआ चीज़ था जो उन लोगों ने डिटेल में नहीं लिखा था, और एक तरह से सरप्राइज़ था हम सारे Realme 3 Pro यूज़र्स के लिए। ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये अपडेट करने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर जब मैं आया तो भाई ऑलरेडी मैंने जो है डाउनलोड कर लिया था, ऑलमोस्ट 350-400 MB के अंदर था, ऐसे था। और देखो भाई, डिटेल में नहीं लिखा गया है, ये मैंने देख लिया अच्छे तरीके से, मैंने अपने वीडियो को भी देखा, बट वो जो फीचर को मैं देखा ना, तो मैं एकदम सीरियसली, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि भाई मैं पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह सब उतना खेलना छोड़ दिया हूँ भाई। ऑनलाइन गेम्स जैसे पहले पागलों के जैसे खेलता था, गेम्स के पीछे दीवाना था, वो दीवानगी खत्म हो चुका है जब से पबजी बैन हुआ है। और सीरियसली ऑनलाइन गेम्स अब नहीं खेलते हैं, बट फिर भी मन में रहता है ना कि छोटे मोटे गेम्स फोन में रहे ना, एनी टाइम तो खेले, लेकिन कौन डाउनलोड करेगा, कौन प्ले स्टोर से खेलेगा भाई, ये किसका लगती है प्रॉब्लम की है? मतलब दोस्त लोग भी देखेंगे तो बोलेंगे यार क्या बच्चा ये सब गेम्स रखना है, सही में ना। तो इसीलिए जो है मैंने मैंने क्या रियलमी ने देखा कि शायद हो सकता है जो बड़े लोग हैं उनको भी कभी ना कभी बच्चे वाले गेम्स खेलने का मन करता है, लेकिन वो लोग खेलते नहीं है डाउनलोड करके, क्योंकि डाउनलोड करने का फिर सिस्टम झमेला ये वो। ये देखो यही है वो चीज़, यस हे फन भाई, एक नंबर का चीज़ है, मेरे ख्याल से तो बहुत ही एक बढ़िया फीचर है। और यहाँ पर ऐप के स्टार्टिंग में लिख दिया है कि ये जो है भाई, आपको कोई भी मिनी गेम्स को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली ऑनलाइन खेल सकते हो, और ये सारे गेम्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। बट यहाँ पर ये सारे ऑलरेडी डाउनलोडेड, और क्या सकते हो आप, एक तरह से इंस्टॉल्ड है, एंड आपको बस सिर्फ टैप करना है, आपके नेट अच्छा रहना चाहिए एंड आप खेल सकते हो। नेट अच्छा मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि 5 MB, 1 MB या 2 MB का स्पीड, बस नेट चलना चाहिए जिसमें आप YouTube वीडियो देख लेते हो, उतना ही चाहिए। तो ये देख सकते हैं भाई, पहला गेम मैं खेल रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये है क्या नाम इसका, वाटर ड्रॉप ऐसे करके कुछ, नहीं नहीं वाटर ग्लास नाम है। और ये दूसरा गेम देखते हैं, ये गेम कौन सा है, अच्छा फ्लिप बॉटल, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम है, टाइम पास करने में मज़ा आता है भाई सीरियसली, जब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है या फिर सीरियसली जब पूरा दिल से दिमाग से लगता है कुछ मिनी गेम खेलना चाहिए, तो इससे बढ़िया मुझे कुछ नहीं लगता यार, बस आपको क्लिक करना एंड टैप करना सीरियसली। एंड ये जो तीसरा गेम है, ये कह सकते हो टेंपल रन का काइंड ऑफ बिछड़ा हुआ भाई है, जो उसी के जैसा है, बट हाँ हो जाएगा, एडजस्ट कर सकते हैं अगर मिनी गेम खेलना ही है, डाउनलोड भी नहीं करना है, बस सिर्फ भाई क्लिक करो एंड गेम स्टार्ट, तो भाई उससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। भाई स्टार्टिंग में जो ट्यूटोरियल होते हैं बकवास वाले भाई करते हैं उसके, मतलब देखो मुझे तो लगता है ना ये सारे गेम्स में ना एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे पबजी एंड कॉल ऑफ ड्यूटी में रहता है कि इस गेम को खेलने से पहले क्या आप बिगनर हो या प्रो हो या फिर आप नॉर्मल हो मेच्योर हो, इससे क्या होता है ना, या टेंपल रन का जो स्टार्टिंग का ट्यूटोरियल हो झेलना नहीं पड़ता, क्योंकि कभी कभी मन करता है टेंपल रन खेलने का, लेकिन यार वो जो ट्यूटोरियल्स है ना अंदर से दिमाग होता है सीरियसली, क्योंकि यार वो पता है कि हम टेंपल रन में कितने बड़े प्रो हैं। ऑब्वियसली मेरी उम्र के जितने भी लोग होंगे, आप लोग होंगे यार, सभी के सभी प्रो होंगे टेंपल रन ऐसे गेम्स में, और जब ट्यूटोरियल करना पड़ता है ना स्टार्टिंग का, तो उस वक्त ना खून खौल उठता है, बट जो भी हटाओ। सो गाइस, आप लोग बताना आपने अभी तक ये हेवन फीचर को ट्राई किया कि नहीं, इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप को जो एक मिनी गेम टाइप का ऐप है, और मुझे तो काफ़ी पसंद आया, आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, मैं कमेंट्स में जाना चाहता हूँ। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय।